अक्सर आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति के साथ हमशक्ल होते हैं, लेकिन इस बात में सच्चाई तब नजर आती है जब हम किसी हमशक्ल से मिलते हैं या फिर हम अपने ही किसी हमशक्ल के बारे में सुनते हैं। एक आम व्यक्ति का हमशक्ल होना उतना परेशानी का सबब नहीं बनता, जबकि किसी सेलिब्रिटी का हमशक्ल होना कई बार बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। जी, कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इब्राहिम कादरी, जो कि बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस SRK के कार्बन कॉपी उनके हमशक्ल हैं और उनके हमशक्ल होने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। इब्राहिम कादरी ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए अपनी परेशानियों के बारे में खुल के बताया है। आइए जानते हैं कि उनको SRK का हमशक्ल होना कितना महंगा पड़ रहा है। निजी चैनल से बातचीत करते हुए इब्राहिम कादरी ने बताया कि 2017 में शाहरुख खान की फिल्म राइज आई थी, जिसे देखने के बाद उन्हें आभास हुआ कि वो SRK की तरह दिखते हैं, लेकिन उस टाइम सिर्फ 10% ही शाहरुख खान की तरह दिखते थे। उसके बाद उन्होंने अपने बालों पर और अपनी बॉडी पर कड़ी मेहनत की, जिसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो करीब 30% SRK की तरह दिखते हैं। लोग उन्हें धीरे धीरे बहुत प्यार करने लगे और साथ ही लोग उन्हें असली शाहरुख खान समझने लगे। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें वो एयरपोर्ट पर शाहरुख खान के अंदाज में हाथ फैलाए खड़े नजर आए थे। इस वीडियो को भी करोड़ों लोगों ने देखा और पसंद भी किया, और साथ ही SRK समझ के अपनी दुआ और प्यार भी दिया। और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि SRK की हमशक्ल होने की कीमत किस कदर उन्हें चुकानी पड़ रही है। कई बार तो उनके साथ ऐसा होता है कि वो जब फील्ड में जाते हैं तो फिर लोग उन्हें घेरने लग जाते हैं, और साथ ही दुकानदार उन्हें महंगी चीजें देते हैं। अगर वो बोलते हैं कि अरे भैया इसकी कीमत तो इतनी है, तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, तो अगला व्यक्ति आगे से जवाब देता है कि अरे भैया तुम शाहरुख खान हो, इतना महंगा है तुम्हारे लिए तो कुछ महंगा नहीं है। कई बार तो उन्हें साथ में बाउंसर्स लेके जाना पड़ता है, कई बार उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की भी जरूरत पड़ती है। बॉडी गार्ड के बिना कई बार तो चलना मुश्किल हो जाता है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने चौंकाने वाली बात तो भी कही है। उन्होंने कहा कि मैं कभी शाहरुख खान से मिला नहीं और ना ही मैं मिलना चाहता हूँ। इस बारे में खुल के बातचीत करते हुए उन्होंने एक एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए आपकी पसंद फरारी है, तो आप किसी भी तरह से फरारी खरीद लेंगे, लेकिन थोड़े दिन उस पे घूमेंगे और उसके बाद वो फरारी आपको गैराज में ही खड़ी मिलेगी, और उसके बाद हार के आप बाइक पे घूमते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कई बार हम जो चाहते हैं हम वो पा लेते हैं और क्रेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह वो SRK को बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन वो उनसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि वो अगर लगातार उनसे मिलते रहे तो उनका प्यार और क्रेज उनके लिए खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि SRK अगर चाहेंगे उनसे मिलना तो जरूर मिलेंगे, लेकिन अपनी इच्छा से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सो इब्राहिम के इन सब बातों को सुनने के बाद फैंस अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर शेयर करें, और इसी तरह देखते रहें।